थाने रेलवे स्टेशन का नाम इतिहास में दर्द है, जिसको देखते हुए थाने के सांसद राजन बिचारे ने थाने रेलवे का विकास कार्य करने के लिए लगातार सदन में आवाज उठाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद थाने के नए रेलवे स्टेशन का काम शुरू करने का प्रोसेस अभी जारी है। बता दें कि थाने के नए रेलवे स्टेशन का काम करने के लिए करीब 184 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। तो वहीं थाने में शिवसेना और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा आज वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवसेना सांसद राजन बिचारे तो वहीं भाजपा विधायक संजय केलकर भी मौजूद रहे। जिस वक्त का हमें वर्षों से इंतजार था, वो वक्त की घड़ी आ जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको नजारा दिखा देंगे। तस्वीर से यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस जाला से चलाई गई है और पहुँचने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप छात्र और छात्राओं से बात करेंगे कि आखिर उनका अनुभव किस तरीके से रहा है। कहाँ से आप लोग सफर कर रहे हैं? कल्याण से बैठे। कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है? मजा आ रहा है, हम कभी बैठे नहीं थे। क्या क्या कहेंगे आप प्रदेश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को, क्या संदेश देंगे? बड़ी अच्छी ट्रेन निकाली है, हमको इसमें बैठ के बड़ा मजा आ रहा है। तो वहीं वंदे भारत ट्रेन जालना से चलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा यात्रियों का जोरदार स्वागत करते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद ही यात्रियों को लड्डू और गुलाब का फूल बांटते हुए नजर आए। हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्षों से वंदे भारत का सपना सरकार हमें दिखा रही थी, लेकिन आज वंदे भारत जालना से चल के मुंबई स्टेशन पहुंचने के लिए है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस है और किस तरीके से यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी तस्वीरों में ये लोग जो खुशियाँ मना रहे हैं, मानो आज दिवाली या दशहरा हो, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन का अनुभव इस तरीके से रहा है। मन क्या कहेंगे आज आप लोग कहाँ से सफर कर रहे हैं? कल्याण से। कैसा अनुभव है वंदे भारत? देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? कैसा अनुभव? बहुत बढ़िया, ऐसे वाली गाड़ी कभी देखी नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्या बोलोगे देश के प्रधानमंत्री? सुना आपने, ये बच्चे हैं और लोग हैं जिनकी जिज्ञासा थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करें और सफर अच्छा है, ऐसा सभी का कहना है। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।